यहाँ गया कि वो प्रमोट हो गए हैं, उनका अलग सा मेन पेरेंट बॉडी में डाल दिया गया है। लेकिन उसके बाद से अब तक जितने भी GDS के प्रोग्राम हैं, नासिर उस्ताद जो है दिखाई नहीं दे। और जो अब की माइनॉरिटी की टीम है उसका अलग अलग तरीके के लोग हैं और कोई एक्टिव मेंबर नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो सीनियर पोस्ट में थे उन लोगों की अहमियत नहीं दी जा रही। एक शेर है, आंखों में इतनी समा है, अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, आंखों में इतनी समा है फिर भी हमें नज़र ना आए तो किसी तरह क्या है। तो अगर आपकी नज़रों में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देखो रहो, यहाँ से खड़ा रहेगी कि आप कुतुब मीनार देख सकते हैं नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुतुब मीनार नहीं है। कुतुब मीनार अपनी जगह एक था, है और रहेगा। और जो कोई भी लोग पार्टी में थे वो लोग हैं, थे और रहेंगे। रही बात पानी, एक जगह जब पहन जाता तो वो पानी किसी की इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। तो पानी में हलचल आना और पार्टी में हलचल आना ये आम बात है। हलचल जब आती हो तो जिसको रीशफल बोलो या रीफिल्टर बोलो, जब रीफिल्टर हो जाती है तो प्योरीफाई हो गई पार्टी को, उसका मतलब ये इलेक्शन यूनिवर्सिटी का भी इस तरह के सीनियर लीडर्स को इग्नोर किया जाएगा तो बहुत मुश्किल है। ना ना, किसी को इग्नोर नहीं किया है, जो कुछ जिम्मेदार थे उनकी जिम्मेदारी की जगह जो पीछे यूथ की लाइन है उन यूथ को भी मौका देना है। जब सबको ये सभी को अकोमोडेट करना होता है तो किसी ना किसी को तो हटाना, बाजू हटाना ही पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नेग्लेक्ट किया गया, सभी पार्टी में थे हैं और रहेंगे। सर वो फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले की तरह फिर पार्टी में दिख नहीं रहे हैं। कौन? पुराने लीडर्स जो भी होते हैं जो पोस्ट पर थे ऊपर से हटाने के बाद नहीं दिख रहे हैं। हमारा सवाल देखिए, एक फैमिली में जब एक परिवार में लोग रहते हैं तो ये मन मोटापा तो आज इस घर घर में चलते हैं, तो पार्टी में थोड़ा कुछ हो जाए तो इसको मुद्दा ना। ओके ओके, और एक बार रिपीट करो। आपकी पार्टी के मेंबर्स का ये कहना है कि जफरुल्लाह खान साहब जब तक थे वो सही तरह से अगर था, साल में एक या दो मरतबा आते हैं उसके बाद नजर नहीं आते। का मतलब तो आप साल में एक मरतबा दिखते थे। जफरुल्लाह खान है इंशाल्लाह, अल्लाह है तो जफरुल्लाह खान है, इसमें कौन सा। अगर आगे जाकर किसी हर सबको लेकर एक जुड़ने की कोशिश किस तरह से करोगे सर? जिस तरीके से एक लीडर को अपना रोल निभाना चाहिए मैं अपनी जिम्मेदारी से पूरा निभाऊंगा। मैं अकेला चलूंगा तो सिपाही कहलाऊंगा, मैं चार को लेके चलूंगा तो कमांडर कहलाऊंगा। मुझे कमांडर बनने का शौक है, सिपाही नहीं। लेकिन आजकल सिपाही मैं चार को लेके चलूंगा तो कमांडर कहलाऊंगा। मुझे कमांडर बनने का शौक है, सिपाही नहीं। लेकिन आजकल सिपाही नजर आ रहे हैं और आपकी टीम माइनॉरिटी की टीम सब अपने आप को बड़ा कहता है, सामने वाले को मौका नहीं देता। सभी देखो जिसकी 50 साल 25 साल 15 साल 20 साल में जिसकी फितरत में फर्क आया हो उसको क्या मैं 5-10 महीने में 5-10 घंटे में सुधार सकता? नहीं, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह की बात। सर माइनॉरिटीज़ में एक तरह से GDS में ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ की टीम आगे बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं घर कर, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये खाली फ़ोटो में नज़र आ रहा है लेकिन हकीकत में JDS कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। मेरे भाई नीचे के दूसरा दिन कोई बाप बनाया आज तक? इम्पॉसिबल है भी औलाद, बाप बनना तो 9 महीने तो टाइम लगता है ना, तो मेहनत करने से पार्टी में रंग आएगा ना। आप बोलेंगे आज पानी डाला कल फल खाओगे पेट से, इम्पॉसिबल। फल लगने में टाइम लगता है, इंशाल्लाह फल लगेगा। सर एक्सपीरियंस लीडर को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है क्या नया चेहरा को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है? देखिए इम्पोर्टेंस दोनों का अपनी अपनी जगह होता है, नए को ट्रेन करना भी ज़रूरी है और पुराने के एक्सपीरियंस को शेयर करके काम चलाना भी जरूरी है। अरे सर नए को ट्रेन करना ज़रूरी है लेकिन पुराने एक्सपीरियंस वाले को पीछे हटा कर नए लोगों को आगे बढ़ाना ये भी गलत है। यहाँ पीछे हटाने का मतलब नहीं, उनका दर्जा बढ़ाया गया है, दिखाई नहीं उनका दर्जा बढ़ा के दूसरे को उस जगह पे मुंतखब किया गया, ये कोई बुरी बात तो नहीं है जहाँ तक मैं समझ। सर फेसबुक में फोटोज डालने से या चार लोगों के साथ फोटो पकड़ कर अपने आप को बढ़ाने से इंसान बड़ा होता है या घुसकर बीच में काम करने वाला बड़ा होता है? देखिए दोनों तरफ से आज तरीके से काम चल रहा है। अभी देखिए हमारी केंद्र सरकार पूरा मीडिया कंट्रोल कर रखी है तो मीडिया में तुम नज़र कहाँ से आओगे? करने वाले आज भी ग्राउंड पे काम करके हीरो बन रहे, जिनको नहीं करना है कुछ लोग फोटो में आके जाते हैं, तो दोनों भी चलता है, दोनों से भी हमारी पार्टी को फायदा है पर नुकसान किधर से भी नहीं। सर JDS में काम के बल पर पोस्ट दिया जाता है या पैसे के बल पर? सर
काम के बल पर जहाँ तक मेरा तजुर्बा और मेरी सारी जिंदगी का तजुर्बा ये और प्रैक्टिकली मैं यही करते आया हूँ, लोगों को परखता हूँ जो मेहनती है जिसमें दिलचस्पा, मैं ऐसे लोगों को मैं आज तक बढ़ाते आया हूँ और ऐसे लोगों की पार्टी में बढ़ाना चाहता हूँ। इल्ज़ाम ये आया है कि JDS में आजकल जो है पैसे की बदौलत पोस्टिंग दी जा रही है माइनॉरिटी के खास, ये मेरी नोटिस में नहीं आया है, अगर मेरे नोटिस में आता तो मैं इसके अगेंस्ट स्टेप लूँगा और चाहे कोई भी रहे इसका मैं प्रोटेस्ट करूँगा, यह हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, श्रीमान देवेगौड़ा जी के कानून के खिलाफ है और ऐसी हरकतें कोई ना कर किया है मेरी नज़र में, अगर आता है तो उसके लिए मैं एक्शन लूँगा। थैंक यू।